भैया, इस तरह से शराब पीने से काम नहीं चलेगा। अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? हाँ हाँ, डीएनए टेस्ट, और क्या। अरे इससे पता चल जाएगा ये बच्चा सचमुच का तुम्हारा है या नहीं। भाभी कहीं बाहर मुंह काला कर आई या नहीं, पता चल जाएगा। गायत्री, जबान संभाल के बात कर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि ये साबित करना पड़े कि विक्रमजीत इस बच्चे का असली बाप है। अगर क्यों नहीं माँ, अरे अगर इससे भैया का परिवार उजड़ने से बच सकता है तो क्यों नहीं करवाया डीएनए टेस्ट? तो इसे सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और लोग इस खानदान की खिल्ली उड़ाएंगे, उसका क्या। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, डॉक्टर कोठारी इस परिवार के शुभचिंतक हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मई माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो तैयार नहीं होगी। मैं तैयार हूँ माँ जी। जब सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की, मैं तो एक मामूली औरत हूँ। बोलिए पतिदेव, इस गुनहगार को कब और किस हॉस्पिटल में हाजिर होना होगा। नहीं बहू, ऐसे दुष्ट पति के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। चल। नहीं माँ जी, इस पाप के बोझ के तले मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। इनको जो करना है करने दीजिए, मैं तैयार हूं। भाभी अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। डॉक्टर कोठारी से कांटेक्ट करके हम आपको बताएंगे। थैंक यू गायत्री बहन। बहू चल। या अब देखिएगा कैसे होता है दूध का दूध पानी का पानी। ये कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। अगर विश्वास नहीं आता तो हमारे बॉम्बे के डॉक्टर कोठारी से कंफर्म कर लो। सिंपल बेटा, I speak to Dr. Kothari, please. Yes, speaking. Dr. Kothari, this is Vikram G. Singh from Jaipur. Oh, what a surprise, Vikram. Go, kaise yaad kiya? Darasal, Dr. Kothari, meri patni Mahima maa banne wali hai. Oh, congratulations, Vikram. Congratulations. Dr. Kothari, main aapki congratulations tabhi accept kar sakunga jab aap mujhe ye batayenge ki kya main sachmuch baap ban sakta. हाँ विक्रम, why not? तुम बिल्कुल बाप बन सकते हो। तुम्हारे टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे बाप बनने का 1% चांस था, ऐसा मैंने तुमसे कहा था। विक्रमजीत बेटे, तेरी डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? मां, मां डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मैं ही इस बच्चे का बाप हूं मां, और मां डॉक्टर कोठारी ने भी यही कहा है। मां मां मैं 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 इसी जिंदगी में मैं बाप बन गया। मां मां मैं इसी जिंदगी में एक बच्चे का बाप बन गया। मां सर। हां मां बदतमीज, नीच, तुमने मेरी सीता जैसी बहू पर घिनौना आरोप लगाया है। जा, जाके माफी मांग। खड़ा क्या है, जा। मां, तुमने भैया को मारा?
सारी एक जैसे हो, निगम में जाओ माफी मांगो। मैंने ही बिगाड़ा था आज तक, वही तुम्हें सजा दूंगी। महिमा, महिमा मुझे माफ कर दो। महिमा अपने दुष्ट पापी पति को माफ कर दो। महिमा, महिमा मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, कितनी कितनी गंदी गालियां दी, कितने कितने गंदे इल्जाम लगाए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया महिमा। महिमा मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा शैतान, कौन सा जानवर सवार हो गया था। मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है महिमा। आप में ये बदला, ये सब तो मैं करती आई हूं, ये मेरा काम है। आपने ये रूप कैसे धारण कर लिया और क्या कहती है आपकी डीएनए रिपोर्ट? इस बच्चे के बाप आप हैं या कोई और? महिमा, इस बच्चे का बाप मैं हूं, मैं हूं इस बच्चे का बाप। महिमा, महिमा, महिमा मुझे माफ कर दो। महिमा मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी महिमा। मुझ जैसी चरित्रहीन औरत आपको क्या माफी देगी? मुझ जैसी औरत को तो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरी। नहीं महिमा, महिमा मुझे छोड़ कर ना जाओ। महिमा, महिमा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। महिमा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती, जाओ मत जाओ महिमा। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। आज तक बहुत सहा है मैंने, बहुत अपमानित हुई हूं, लेकिन इस बार आपने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। मुझे बच्चलन भी कहा। इतने सारे सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं इस चार दीवारी में भला कैसे रह सकती? महिमा, एक सेकंड मेरी बात सुनती जाओ। क्यों, अब भी कुछ बाकी रहा है? हाँ महिमा, महिमा विक्रमजीत की एक आखिरी बिनती सुनती जाओ। महिमा, महिमा, महिमा मैं बदल चुका हूँ। महिमा, महिमा मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, हमारे बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ। महिमा मैं नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नए रिश्ते के लिए। महिमा प्लीज मुझे एक मौका दो। महिमा सिर्फ एक मौका। महिमा मुझे भीख में ये मौका दे दो। महिमा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। महिमा, महिमा रुक जाओ। बेटी, इस घर की इस दहलीज को ऐसे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ इस तरह। मैं जाना भी नहीं चाहती मां। मैंने तो ये सोचकर इस घर में कदम रखा था। डोली में आई हूं, अर्थी में ही इस घर से विदा लूंगी। पर नहीं, जिनके साथ सात फेरे लेकर जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, उन्होंने ही मुझे ये कदम उठाने पर विवश कर दिया। पर तू विक्रमजीत की सजा हमें क्यों दे रही है बहू? नहीं माँ जी, मैं सजा आपको नहीं, अपने आप को दे रही हूं। आप जैसा परिवार किसे मिलेगा? आपने जो प्यार सम्मान मुझे दिया है, शायद किसी बहू को मिला होगा। क्या इसीलिए तू घर छोड़ के जा रही है? अरे बेटी, तू हमारे दिल में समाई हुई है, हम सब तुझसे प्यार करते हैं,
अरे अरे इस घर के हर कमरे को तूने इस तरह से संवारा है, सजाया है जैसे एक मंदिर में मूरत। बोल इस खाली मंदिर में हम कैसे रह पाएंगे? बोल महिमा बोल। मुझे जाना होगा। इस मूर्ति के लिए, इस बच्चे के लिए, नहीं तो उनके साये में मैं खुद खुद करना चाहूं। और ये बच्चा भी जो आपका पोता है, मुझे मत रोकिए, मुझे जाना। भाभी मत जाइए। भाभी भाभी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं माफी चाहती हूँ, मगर बच्चा ही घर छोड़कर। आपकी कोई गलती नहीं है गायत्री बहन, मैं आपकी वजह से नहीं जा रही हूँ। मेरी माँ बहन, माँ जी मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। माँ जी भाभी महिमा मत जाओ, भाभी मत जाइए, मत जाओ महिमा, मत जाओ महिमा, मत जाओ। दादाजी खोल इन्हें फटाफट, दोनों पकड़। दोनों दादाजी खोलता हूँ। चलो जल्दी देख, ये देख। अरे बच्चों अरे गायत्री आ जा मेरा बेटा, बधाई हो। अरे तू फिर से बुआ बनने जा रही है और मैं दादा। मुझे जैसे ही खबर मिली कि विक्रमजीत बाप बनने वाला है, महिमा माँ बनने वाली है, मैं तो खुशी से फूला नहीं समाया, मैं भागता चला आया यहाँ। महिमा कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? मेरी लक्ष्मी कहाँ है? तो माँ कैसी लगेगी मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहते हैं जो बहू और बेटी बहुत दिनों के बाद माँ बने उसका चेहरा देखने से बहुत पुण्य मिलता है। और पंछी सुन, आज के बाद महिमा काम बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल आराम, बिस्तर से वो हिलेगी भी नहीं। महिमा कहाँ है? महिमा, अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? पिताजी भाभी घर चली गई। हाँ, पहला बच्चा है ना, पहला बच्चा तो मायके में ही होता है, पर ये तो बहुत दिन बाकी है। अरे कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख लेने दिया होता, इतनी जल्दी क्यों भेज दिया उसे? भेज नहीं दिया पिताजी, वो खुद चली गई। चाचा जी ने चाची जी को कुछ भला बुरा कहा और उनका दिल टूट गया, फिर वो चली गई। क्या कह दिया उस गधे ने? कुछ नहीं पिताजी, भैया क्या कह सकते थे, भैया ने तो यही कहा कि महिमा ये कैसे हो सकता है, इतने सालों बाद तुम माँ कैसे बन सकती हो। भैया को विश्वास ही नहीं आया, उन्हें शक हुआ कि ये बच्चा भैया का ही है या किस। क्या? हाँ पिताजी, बस ये शक को दूर करने के लिए ही भैया ने भाभी की डॉक्टरी जांच करवाई, और जब हम सबको पता चला ना कि ये बच्चा भैया का ही है तो हम सबको बहुत खुशी हुई, भैया भी बहुत खुश हुए। लेकिन लेकिन अफसोस भाभी नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई। हे ईश्वर कब उठा ले मुझे, ठीक है क्या करूंगा, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया विक्रम जी ने।
कहाँ है विक्रमजीत? विक्रमजीत कहाँ है? वो भैया चाहता है अपने मन में झांक के देख कभी। अगर तूने मेरी बेटी जैसी बहू को घर से निकाल दिया नहीं पिताजी, मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर चली गई। तो क्या करती? उसके पति ने इतना गंदा गिरा हुआ और भद्दा लांछन लगाया, उसके बाद वो 2 मिनट भी यहां रह सकती? अच्छा किया वो चली गई यहां से। तुझे बेटा कहते हुए मुझे आज शर्म आ रही है। सोच, अगर यही लांछन मैंने तेरी मां को लगाया होता जब तू उसकी कोख में था, तब क्या होता? और उसे घर से बाहर निकाल दिया होता तब क्या होता? लोग क्या कहते तुझे आज? हराम की औलाद। अरे विक्रम, 15 साल के बाद उस ईश्वर ने हमारी सुनी। मैं मां के गोद रही हो रे कोई, तो तू डॉक्टरी कराएगा उसकी? तुझे सबूत चाहिए इसके लिए? तेरे जितना घटिया गिरा हुआ कुछ इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ पिताजी, हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं ऐसा ही हूं। क्या है कि घटिया इंसान, शादी के इतने सालों के बाद भी मैं बाप न बन सका। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने सोचा कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है, मैं बाप कैसे बन सकता हूं? न जाने मुझे क्या हो गया था पिताजी, मेरे अंदर एक जानवर सा सवार हो गया था। जानवर तो तू है ही, साक्षात लक्ष्मी के रूप में मैं इस घर में आई, तेरी पत्नी के रूप। तो हमने सोचा शायद हमारा विक्रम सुधर जाए, लेकिन नहीं, दिन पर दिन बिगड़ता गया, गिरता गया, बद से बदतर हो गया। क्या चाहिए तुझे? पैसा, मेरी जायदाद, मेरी दौलत, ये महल, ले ले सब कुछ। हम भी चले जाएंगे यहां से, इन महलों में तू अकेला डोलता फिरेगा। नहीं पिताजी, नहीं, अब ये सब कुछ लेकर मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी से मेरी रोशनी चली गई, मेरी महिमा चली गई, जिंदगी तो एकदम वीरान हो गई पिताजी। अब मेरी महिमा को सिर्फ आप ही वापस ला सकते हैं पिताजी। प्लीज पिताजी, मैं आगे आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं पिताजी। मेरी महिमा को वापस ला दीजिए पिताजी, मेरी महिमा को वापस ला दीजिए। विक्रम, तूने इतनी बार झूठ बोला है, आज ये तेरा सच भी मुझे सच नहीं लगा। मैं यकीन मानिए पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे महिमा के जाने के बाद उसकी अहमियत का पता चला, उसके रहते मैं उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहा। मैं सच कहता हूं, प्लीज पिताजी, उसे वापस ले आइए प्लीज। नहीं बेटा, मेरे जाने से महिमा को कुछ नहीं है। चाहता तो मैं भी हूं कि मेरी बहू वापस आए, मुझे उस खुशी का एहसास हो जिसके लिए हम बरसों तरसे हैं।
बहुत चोट पहुंचाई है तुमने उसे बेटे। अगर मैं उसके हाथ जोड़ के उसे ले भी आया तो महिमा आएगी, उसकी आत्मा नहीं आएगी। अगर तुझे वाकई पश्चाताप करना है तो तू जा, कि हाथ जोड़ उसके पांव पर, उसके आगे गिड़गिड़ा, तभी वो आएगी। मैं जाऊंगा, नहीं जाऊं। मेरे विक्रम को एक मौका और दे देना बेटा।